हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइज, अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज मेथी मटर के पराठे बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने मेथी और मटर दोनों बॉईल करने रख दिए हैं। तो ढक के थोड़ा सा बॉईल करेंगे इनको। तो एक बंच मैंने मेथी ली थी, एक कटोरी मैंने मटर लिया था, मतलब मटर के दाने लिए थे। तो अच्छे से बॉईल हो गए हैं ये। अब मटर को भी चेक कर लूँगी मैं। मेथी तो चलो जल्दी बॉईल हो जाती है, लेकिन मटर थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। तो मटर भी हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब इसको मैं छलनी में निकाल लूँगी और थोड़ी देर ठंडा होने दूँगी। तो ये ठंडे हो चुके हैं। अब इसको मैं जार में पीस लूँगी डाल के। ऐसे हाथों से भी मैश करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं पेस्ट बना के डालूँगी। तो एक चम्मच आटे में मैंने नमक ऐड किया है और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी भी हम ऐड करेंगे इसमें, और आधा चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा जीरा भी ऐड करूँगी मैं। जीरा पाउडर और जीरा दोनों ऐड करूँगी। और मैंने ना इसमें 3 ग्रीन चिली और 3-4 गार्लिक की कली ली थी, पेस्ट बना के डाला है ये। और एक प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, वो भी डाल रही हूँ। और हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो पेस्ट बनाया है मेथी मटर का, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो पहले तो मैं इसी में आटे को लगा लूंगी। जब पानी की ज़रूरत होगी तो इस जार में पानी डाल के फिर आटे में डाल दूंगी। और अच्छा सा एक डो रेडी कर लूंगी, सॉफ्ट सा। तो डो रेडी हो गया है, बस अब पराठे बनाऊंगी मैं। तो बस नाश्ते में आज मेथी मटर के पराठे बना रही हूँ, टेस्टी भी और हेल्दी भी। तो स्क्वायर शेप में बना रही हूँ मैं मेथी के पराठे। बस ऐसे ही सारे पराठे सेक लूँगी और गर्मा गर्म परोस दूँगी। ठंडे होने के बाद अच्छे नहीं लगते, गर्म गर्म ही अच्छे लगते हैं पराठे तो। और साइड में चाय बन रही है। और बस अभी प्लेटिंग कर दूंगी ऋषभ और उसके पापा के लिए। तनु अपनी ऑनलाइन क्लास में है, जब वो ख़त्म हो जाएगी तब उसके लिए फिर बाद में बना दूंगी पराठे। तो दही लिया है और साथ में सॉस लिया है मैंने। चाय जब ये खा लेंगे खाना, उसके बाद दूंगी। तो यहाँ पर रिशु और उसके पापा दोनों कर रहे हैं नाश्ता, और मैं नहीं कर रही। मैं पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद तनु के साथ फिर करूँगी मैं नाश्ता। और मैं साइड में बैठी हूँ स्टूल पे, तो साइड में बैठ के चाय पी रही हूँ। और इसके बाद ना मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। तो गाइस, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जो मैंने अमेजोन से मंगाई है। रिपब्लिक डे की जब सेल लगी हुई थी ना अमेजोन पर, तब मैंने ये चीज़ें ऑर्डर करी थी। ज़्यादा तो नहीं किया, बस 2-3 ही चीज़ें ऑर्डर करी थी। तो एक तो मैंने मंगाया था नॉन स्टिक मिनी उत्पम तवा। तो एक मैंने ये तवा मंगाया है उत्पम बनाने के लिए, और इसमें ना पैनकेक भी बना सकती है तनु। तनु के लिए ईजी हो जाएगा पैनकेक बनाना, इसमें छोटे छोटे बना लेगी। और एक मैंने किया था डोसा तवा, मतलब बहुत भारी है ये, आयरन का है ये डोसा तवा। तो एक मैंने ये ऑर्डर किया है। मेरे पास था नॉन स्टिक था वो, पर काफ़ी पुराना होने हो गया तो वो ख़राब हो गया, इसलिए मैंने ये दूसरा वाला ऑर्डर किया। और एक मैंने ये सुजाता का मिक्सर ऑर्डर किया है। सुजाता का मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ना पहले फिलिप्स का था, लेकिन उसके सारे मिक्सर ग्राइंडर जो है जार वो सब ख़राब हो चुके थे, इस वजह से मैंने ये सुजाता का ऑर्डर किया है। तो मैं इसको ना आपको खोल के दिखाती हूँ। और ये ना ट्रांसपेरेंट जार है, तो मुझे शेक वगैरह बनाने के लिए इसी तरीके का जार चाहिए था। और दो जो नॉर्मल जार आते ही है ना मिक्सर के साथ स्टील वाले, तो दो वो जार हैं और एक ट्रांसपेरेंट जार है। और इसके बाद अब मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो यहाँ पर मैं मटर छील रही हूँ। लंच में मैं आज बनाऊँगी इडली सांभर,
काफ़ी टाइम हो गया मैंने इडली सांभर नहीं बनाया। और यहाँ पर दाल है, अरहर की दाल ली है, इसमें सारी सब्जियाँ मैं मिक्स कर दूँगी। पहले शिमला मिर्च, गाजर, मटर, टमाटर ये सब मैं इसी में मिक्स कर लेती हूँ। हल्दी, नमक, सारी चीज़ें इसी में मिक्स करके सीटी ले लूँगी। और अब मैं इडली बना रही हूँ तो पहले मैं ऑयल लगा लूँगी प्लेट में, इसके बाद ना ये बैटर रखूँगी। तो कभी मैं इडली का बैटर घर पे भी बना लेती हूँ, और कभी जैसे अचानक प्लान बन गया कि नहीं इडली ही बनानी है आज लंच में, तो फिर मैं शॉप से भी ले आती हूँ। तो आज मैं शॉप से ही ये बैटर लेके आई थी और साथ में चटनी दोनों लेके आई थी मैं आज। और ये जो इडली मेकर है ना, ये मैंने दिवाली पे लिया था। पहले मेरे पास वो दूसरा था, 3 प्लेट वाला आता ना स्टैंड जैसा, जिसे भगोने में पानी रख के फिर बनाते थे, वैसा वाला था। तो उसमें क्या होता था, एक जैसे नीचे वाली प्लेट की इडली फूलती थी ना, तो वो दूसरे वाले प्लेट के ऊपर चिपक जाती थी। इसीलिए फिर मैंने ना वो शॉप पे दिया और फिर दूसरा ये वाला लेके आई थी, वो देके, और ऊपर थोड़े बहुत पैसे लगे थे तो वो देके फिर ये वाला इडली मेकर लेके आई। तो ये मल्टी कढ़ाई है, इसमें ढोकले की भी प्लेट है, और जैसे मोमोज वगैरह हैं कुछ स्टीम करने वाली भी प्लेट है, और 2 इडली की प्लेट है। तो पूरा ये मल्टी कढ़ाई लेके आई थी मैं। और सांभर भी मैंने बना लिया था, और जो चटनी लेके आई थी उसको मैंने तड़का लगाया है। वो सिर्फ प्लेन चटनी ही पीस के देते हैं, फिर घर पे लाके हमें तड़का लगाना रहता है चटनी में। तो भाई इडली चेक कर लेते हैं, तो इडली भी बन गई है। अब इसको निकाल लूँगी, निकाल के कैसरोल में रख दूँगी, फिर दूसरा बैच इडली का लगाऊंगी। और इडली सांभर चटनी सब रेडी है, लंच रेडी हो गया है। अब बस तनु और हम लोग करेंगे लंच। ऋषभ की ऑनलाइन क्लास है, कभी इसकी क्लास है तो कभी उसकी क्लास है, साथ में बहुत ही कम होता है कि कभी साथ चारों साथ में बैठ के खाना खाते, नहीं तो सबके अलग अलग काम होते हैं। और बस अभी मेरी और तनु की प्लेट लगा रही हूँ मैं। तो अभी हम दोनों कर रहे हैं लंच, और ऋषु के पापा बैंक गए हैं किसी काम से, और ऋषु अपनी क्लास अटेंड कर रहा है, तो ये दोनों बाद में खा लेंगे। और अच्छा बना था इडली सांभर। मुझे ना सांभर पूरा वेजिटेबल वाला अच्छा लगता है, सिर्फ दाल में टमाटर प्याज डाल के बनाते वो नहीं अच्छा लगता। और ये शाम का टाइम है तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ साफ़ करी है। दिन में यही काम किया मैंने लंच करने के बाद, सरसों, पालक और बथुआ। इस बार मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लाई हूँ, तो आज मैं यही बनाऊँगी शाम को। तो मैंने कुकर में चढ़ा दिए हैं सरसों का साग, और ये सब बॉईल हो रहा है, और इधर हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय बनाई है शाम की। उस दिन मैं लाई थी ना तो थोड़ा कम क्वांटिटी में लाई थी, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में लेके आई हूँ। तो बस अभी बॉईल हो गई है, थोड़ी देर और पकाऊंगी सरसों का साग। इसमें मैंने मक्की का आटा भी मिक्स कर दिया है, तो अभी तो इसको घोटते रहना है, बहुत टाइम लगेगा मुझे बनाने में, इसलिए मैंने शाम को ही जल्दी इसको चढ़ा दिया था बनने के लिए कुकर में। तब ये धीरे धीरे पकता रहेगा, और बाद में बस तड़का ही लगाना रहेगा। और मैं ना हर बार दिखाना भूल जाती हूँ, जब हम डीमार्ट गए थे ना तो वहाँ से तनु ने बटरफ्लाई वाली लाइट ली थी अपने रूम में लगाने के लिए, तो उसने कब की लगा रखी है। तो वो बोलती मम्मी आपने दिखाया नहीं, मैं भूल जाती हूँ, मैं आपको लाइट दिखाती हूँ अभी। तो ये इसने बटरफ्लाई वाली लाइट ना अपने बेड के आसपास लगाई है पूरी, और टेप से चिपका के, बहुत ही सुंदर लग रही है। और साग भी रेडी है, बस तड़का ही लगाना है। अगर कोई बोलेगा कि हमें साग खाना है तो मक्की की रोटी बना दूंगी साग में तड़का लगा के, नहीं तो सांभर भी रखा हुआ है, चटनी भी रखी हुई है, और इडली का बैटर भी रखा हुआ है। तो कोई डोसा खाना पसंद करेगा तो मैं डोसा बना दूंगी, और बस यही है आज का डिनर हमारा। तो अब इस वीडियो को भी यही एंड करूंगी मैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।